तो गाइस हम एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, ये आपको दिख रहा होगा। गाइस तो देखो कितनी बड़ी लिफ्ट है, मैंने इतनी जी को इतनी बड़ी लिफ्ट नहीं देखी। पागल बनते भैया देख कैसे रहे। आशियाना मेरा क्या हाल है? बढ़िया भाई। तेरी याद 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 में, तेरी याद 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 में, तेरी याद 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 में। हे क्यूटीज, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज जो है काफी टाइम बाद रचित आने वाला है थाईलैंड से, तो मैं और विनय उसको लेने जा रहे हैं एयरपोर्ट पे, क्योंकि अभी रचित का फोन आया था, उससे बात हुई, उसने बोला कि अभी नहीं आया था, मतलब लाइक 4:30 बजे उसका कॉल आया था कि मैंने टेक ऑफ कर लिया है, तो मैं 8:30 बजे करीब या 9 बजे तक पहुंच जाऊंगा, तो तुम लोग आ जाना मुझे लेने। तो अभी तो मैं काफी लेट हो गई हूँ, काफी लेट तो नहीं, अभी एक मिनट में टाइम देख के बताती हूँ। हाँ, तो अभी 7:30 हो रहे हैं, तो मेरे पास 1 घंटा है, मैं रेडी हो जाती हूँ और उसको चलते हैं लेने। तो गाइस मैं रेडी हो चुकी हूँ, बस अब मुझे शूज डालने हैं। मैंने कपड़े भी चेंज नहीं किए, मैं ऐसे जा रही हूँ क्योंकि अभी तो नहाई थी। और गाइस ये देखो, एयरपोर्ट में ऐसे लोअर डाल के जा रही हूँ, ऐसा कौन जाता है? हाँ, कोई एक है जो बार बार एयरपोर्ट जाता है, और मैं वो किसकी बात कर रही हूँ आप मुझे कमेंट में बताना। हाँ चले, अब कितना टाइम लगेगा पहुँचने में? 1 घंटा। 1 घंटा ट्रैफिक का टाइम है क्या? बहुत तगड़ा वाला ट्रैफिक है। मिक्की कहाँ है? मिक्की सो रहा है। सो गया, चलो ठीक है भाई, मिक्की वो सो रहा है, मिक्की को सोने देते हैं। इंस्टा भी में भी सो रहा है, जूम करके देखूं सो रहा है क्या? अरे आंखें खोल के बैठा है ये तो। चल ठीक है, बस मैं एक बार शूज डाल लूं फिर चलते हैं, ठीक है? आंटी क्या बना रहे हो? अच्छा इंस्टा के लिए? इंस्टा के लिए रोटी बना रहे हैं। और हमारे लिए क्या बना रहे हो? दाल चावल, दाल फ्राई। अच्छा ठीक है। क्या हुआ? तो गाइज मैंने शूज डाल लिए हैं, और ये विनय भी आ गया है। विनय ऐसे क्यों रहा है? विनय बता दे, बता दे। तो गाइज मैं आपको बता दूं विनय क्यों हंस रहा है, छोड़ो अभी आपको पता चल जाएगा। तो आंटी मैं वहां पे जब शूज पहन रही थी तो मैं सुन रही थी कि आप कोई गाना गुनगुना रहे थे, ठीक है? तो मैं कैमरा आपकी तरफ करती हूँ, आप कैमरे में एक बार गाना गा दो। हाँ आप गाना सुनाओ। हमारी अधूरी सी कहानी। हाँ तो सुनाओ, सुनाओ ना गाना, जैसे गा रहे थे वैसे सुनाओ। मैं गाऊं? हाँ हाँ, और क्या आप गाओ? अरे थोड़ी थोड़ी साथ आवेगा तो थोड़ा थोड़ा सुना दो। चलो ठीक है। हाँ हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी। बस बस इसके आगे भी तो गा रहे थे। अभी नहीं गाऊंगा, अभी बनाने दो। तो गाइस मैं वहां शूज पहन रही थी, आंटी मतलब ऐसे गुनगुना रही थी, और विनय की शक्ल देखो, विनय हंस रहा है। हंस रहा था मैंने कहा चलो अब लाइव। मैं कह रहा पता नहीं कहां से आवाज आ रही है, देखो तो आंटी गा रही है और आंटी गा भी सही रही है। रंग थे नूर था, ये गा रहे थे आप? अभी आप गा दो ना एक बार, क्यों नहीं गा रहे हो? अभी नहीं गा रही। गाइस आंटी गाना गाती रहती है, काम करती रहती है, ऐसे गुनगुनाती रहती है। चल चले अब, चलो फिर अब हम निकलते हैं गाइस। मिक्की हम जा रहे हैं। इसको ले जाओ इंस्टा। इंस्टा कहाँ जाएगा, हम जा रहे हैं वो अकेला जाएगा ना, इसलिए तुझे उठा रहा है यार, अपने दोस्त को अकेला छोड़ रहा है। मिक्की इंस्टा उठा दे, मिक्की को उठा जल्दी, कहना भी मानता है तुरंत, जल्दी उठा दे। तू सोइयो, फिर तेरे को बताऊंगा। तू सोइयो, खुद की तो नींद पूरी हो गई है इसकी, दोपहर भर ना आके सोया ही है ये भाई। इन दोनों की लड़ाई देख लो, ये इंस्टा इतना बदतमीज है, कभी भी इसको मिक्की को सोने नहीं देता बेचारे को। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चल हम मैं और विनय निकल रहे हैं ना, उसको रचित को लेकर आते हैं, तुम और इंस्टा खेलो या सो। बस उठा दिया ना इसने, नींद खराब करनी थी जो कि कर ली। बस अब पिल्लो ले लो, खेलो। हाँ चल। ए बेटू उठ गया मेरा बच्चा। किसी से भी चल लो, मैं तो चल लूंगी, पहुंचने से मतलब है। ये उसको दबा रहा था। हाँ। तकिया निकल गया नीचे, यहाँ काट लिया। क्या इंस्टा उसको जबड़े से दबा रहा था। चल चलो
तो गाइस हम चल रहे हैं अब। क्या हुआ? देख लिया उसने, मैं जा रही हूँ। मैं तो जा ही नहीं रही, गेट बंद कर दो, मैं नहीं जा रही। अब दिख नहीं जाएगा, मेरे निकलते ही भाग जाएगा। मेरे को ठहरा दो ना, अब तो यहीं रहना है। चल बंद कर ले गेट। बाय इंस्टू। गाइस तो हम लेकर जाएंगे एक्सयूवी, क्योंकि रचित हमारे साथ साथ एक्सयूवी को भी मिस कर रहा था, तो देखते ही खुश हो जाएगा। तो चले मिस्टर ड्राइवर। चलो यार, विनय कितना सीधा सा है, भोला सा। इतने कमेंट आते हैं कि विनय भैया बहुत सीधे हैं, भोले हैं, मासूम है। कोई जवाब, हम देर साथ इतना मजाक करते हैं तो जवाब नहीं देता कभी भी। मैं बुरा ही नहीं मानता, अपनों का बुरा नहीं मानते। अच्छा कोई दूसरा बोले तो तब भी मैं इग्नोर करता हूँ, और हम बोले तो तब भी इग्नोर करता है। इग्नोर, मैं रिएक्ट ही नहीं करता। गुड, इट्स गुड। गाइज हम लोग ना मजाक करते हैं, विनय को बेवकूफ बोलो, खच्चर बोलो, यारी दोस्ती में आप सच में मत बोला करो। देखो इस बार अब देख लो, मैं आपको अभी भी मना कर रही हूँ, कोई भी बंदा खच्चर कमेंट नहीं करेगा। देखो खच्चर कमेंट नहीं आ रही होगी क्या? शर्म नहीं आ रही होगी? गाइज देखो खच्चर कमेंट बिल्कुल मत करना, समझ जाओ आप, आपको खच्चर कमेंट नहीं करना है, ठीक है? कोई नहीं करेगा, अभी ना मैंने बोल दिया है, कोई खच्चर कमेंट नहीं करेगा। मैं बुरा मानता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो गाइज ये बुरा नहीं मानता, लेकिन आप लोग बिल्कुल भी खच्चर कमेंट मत करना, ठीक है? गेट लगा दो बस, जाके एक बार जा रही हूँ। सो गाइज हम रास्ते में है और विनय ने मैप लगा लिया है, अभी इसमें देखो दिखा रहा है, कॉल आ गई किसी का, सोना का 53 मिनट दिखा रहा है। गाइज अभी करेक्ट 8 बज रहे हैं और अभी हम निकले ही हैं, और देखो आप कितना ट्रैफिक है, ये रेड लाइट पे खड़े हैं हम, और अगर ऐसे ही आगे तक मिलता रहा मैप में तो देखो 1 घंटा दिखा रहा है, तो रचित को एयरपोर्ट पे ही वेट करना पड़ जाएगा। क्या चाहिए? भाग गए भाग गए, देख जैसे वीडियो बन रही थी भाग गई। देखो देखो यहाँ छुप गई, क्या चाहिए? देखो देखो छुप गई भाग गई। गाइज गाइज एक ट्रिक मिल गई है, अगर आप ऐसे कहीं आप जा रहे हो ना गाड़ी पे, आपके जो शीशे से ऐसे से नॉक करते हैं ना मांगने के लिए या बेचने के लिए, तो आप तुरंत ना कैमरा ऑन कर लो, अगर आप ब्लॉगर नहीं भी हो कैमरा ऑन कर लो, ये भाग जाते हैं, बहुत शातिर होते हैं, बहुत शातिर कि भाई हमें मतलब कैमरे में ले रहे हैं ये वो हमारी, इनको भी पता होता है सब कि मेरी वीडियो बन रही है, वायरल हो जाएंगे, वो भाग जाते हैं 1 मिनट में। कितना भी मना करो ना हमें ये चीज नहीं चाहिए नहीं चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही कहेंगे ले लो ले लो ले लो, या फिर फालतू में ऐसे ही पैसे मांगने लगेंगे, जैसे ही कैमरा ऑन करोगे ना 1-2-3 हो जाएंगे। ये ट्रिक मैंने बहुत अच्छी लगी मुझे, आप लोग भी ट्राई करना, आपको भी बहुत बढ़िया लगेगी। गाइज गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया था, एक बार हम पेट्रोल डलवा लेते हैं फिर निकलते हैं, है? हाँ। गाइज अभी मैं और विनय बात करते हुए जा रहे थे कि रचित को तो जा रहा है एयरपोर्ट पे लेने, लेकिन रचित का बर्थडे भी है 13 सितंबर को, आप सबको पता होगा। तो अभी ना हम बहुत कंफ्यूज हैं कि हमें क्या करना चाहिए, जैसे कि उसने तो मेरे बर्थडे पे मुझे सरप्राइज दिया था, वो हम लोगों को पहाड़ों पे लेके गया था उत्तराखंड, और विनय भी कंफ्यूज है। विनय क्या करना चाहिए? कंफ्यूज हूं मैं तो यार, समझ नहीं आ रहा है। गाइज ना इसको समझ में आ रहा है, इसने शोना से बात करी ना, शोना को समझ में आ रहा है ना, मुझे समझ में आ रहा है। तो अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत कुछ समझ में आ रहा है ना कि दीदी आपको ये करना चाहिए, भैया आप लोगों को ये करना चाहिए, तो ना प्लीज एक बार ना कमेंट में बता देना कि आप लोग ये सरप्राइज प्लान कर सकते हो, तो मैं उसमें से जो मुझे बेस्ट लगेगा ना वो मैं चूज करूंगी। और बिल्कुल भी बिल्कुल ना माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो गया है, कुछ भी नहीं है माइंड में, क्योंकि हर बार हम वो चीजें कर चुके हैं, जैसे रूम डेकोरेट कर देना और ऐसे सरप्राइज देना, ये सब तो कर चुके हैं। वो कॉमन लग रहा है थोड़ा सा। हाँ मतलब उससे कुछ हटके हो ना कि अगला बंदा देखे तो उसको ये हो कि कुछ तो नया देखने को मिल रहा है। हाँ तो हम ना कुछ नया करना चाह रहे हैं, अगर कुछ आपके दिमाग में सरप्राइजेस आए ना तो प्लीज एक बार कमेंट में बता देना। रचित मैं आपको बता दूं, मेरा व्लॉग देखता नहीं है तो उसको ये चीज पता नहीं चलेगी, आप लोग में कुछ भी बता नहीं पाओगे उसे, पता है क्यों? क्योंकि ये चीज मुझे कैसे पता है रचित मेरे व्लॉग्स नहीं देखता, क्योंकि उसने मेरे को कई बार कॉल करके पूछा है कि सिब्बू तू व्लॉगिंग करती है ना, रेगुलर व्लॉग तो डालती है ना? मैंने कहा हाँ डालती तो हूँ, तो इससे क्या प्रूफ होता है कि वो मेरे व्लॉग्स नहीं देखता?
तो उसको कुछ नहीं पता चलेगा, तो आप मुझे कमेंट्स में बता देना प्लीज यार। You won't see me stop, no. You won't see me quit. I'm gonna make it to the top. If it's the last thing I did, never catch me, man. I'm gone, 'cause I'll be working off the grid, grinding through all the pain. I said I'd do it, and I did. I'm the type to work until my hands fucking bleed. I'm the type to fight when others fall into their knees. I'm the type to ask for more pain. Get it. तो गाइस हम एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, ये आपको दिख रहा होगा, बहुत दूर है थोड़ा सा, वो देखो टर्मिनल 3 आपको दिख रहा होगा यहाँ से। तो अभी हम इतनी दूर है, अगर हम जूम आउट करें तो ये इतनी दूर है। तो गाइस देखो एरोप्लेन्स खड़े हैं यहाँ पे, आपको दिख रहा हो तो गिरे। चलो अभी साइड में गाड़ी लगा रखी है मैंने, लगा सकते हैं यहाँ पे, देखी जाएगी। चलान तो सकते नहीं है, चलान भरना से बोल देंगे जा रहे जा रहे भैया जा रहे, चले जाएंगे आगे तक। वाह यही करते हो मतलब तुम है। हाँ। वाह विनय बाबू। तो गाइस हम एयरपोर्ट पे जल्दी पहुंच गए और अब हम कर रहे हैं रचित का वेट। रचित एयरपोर्ट पहुंच चुका है बट लगेज वगैरह लेने में उसको टाइम लग रहा है, तो अभी हम दोनों यहाँ पे वेट कर रहे हैं। यस वी आर वेटिंग। और गाइस हमने पता है गाड़ी कैसे लगाई है, चालाकी करके। वैसे आपको पता होगा गाड़ी एयरपोर्ट पे लगाने नहीं देते यार, भगा देते हैं थोड़ी देर खड़े हो जाओ तुम। हमने यहाँ खड़ी कर दी और उसके आस पास मंडरा रहे हैं, कोई पूछेगा किसकी है, हम कहते हैं हमें नहीं पता। सो गाइस हमें ना लेस खा के टाइम पास करना पड़ रहा है क्योंकि रचित अभी तक तो आया नहीं है, और हम यहाँ पे टर्मिनल 3 पे वेट कर रहे हैं और लेस खा रहे हैं। ओके गाइस बहुत टाइम लग रहा था वहाँ एयरपोर्ट पे और वेट करने नहीं दे रहे थे, तो हम लोग एक शॉप पे आ गए हैं जो एयरपोर्ट के पास है। वहाँ पे मैंने एक जूस लिया है और एक दो चीजें और लिया है खाने के लिए। गाइस मैंने लिया आलू पेटी और ये मौसमी का जूस, और ये खा रहा है चिकन मोमोज, जानवर ये खा रहा है चिकन मोमोज। यहाँ पे वेज नहीं है वरना वेज मैं भी खाती। और भाई साहब कैसा लग रहा है चिकन मोमोज खा के, इंसान बनो वेज खाओ वेज, पता नहीं दूसरों के मांस खा लेते हो तुम। गाइस आप इसकी कारस्तानी इसकी जुबानी सुनो, क्या कर रहा है तू विनय इतनी देर से? मैं क्या कर रहा हूँ पता नहीं, रास्ते ऐसे टेढ़ा मेढ़ा बना रखा है, पता नहीं कहाँ गए हम। गाइस हमने जो हमें वेट करना पड़ रहा था वहाँ पे वेटिंग के लिए कुछ स्पेस नहीं था, तो हम लोग बाहर चले गए थे कुछ खाने पीने, तो अभी दोबारा आए लेने। अब रचित बाहर आ चुका है तो यहाँ देख रहे हैं हम ये गाड़ी घुमाया जा रहा है, कभी पार्किंग में घुसा रहा है, अभी देखो ये पार्किंग में घुसा लिया उसने, ये देखो। हेलो भाई अराइवल पे जाना है, कोई इज्जत ही नहीं दे रही, ऐसे मुंह से बोल के चला गया, ये देखो पता नहीं पार्किंग में कौन सी पार्किंग में घुसा दी। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। हाँ। बेटा वो वेट कर रहा है वो वहाँ पे। हाँ तो हमने वेट नहीं किया उसका 1.5 घंटा, वो कुछ नहीं है यार, वो राजा बाबू है, हमारी बात अलग है। हाँ, हम तो है ना नौकर। मेरे सामने है एयरपोर्ट बिल्कुल, अराइवल पे जाना है टर्मिनल 3 के। गाड़ी नहीं जाएगी, गाड़ी बंद कर दी, फिर कहाँ लगाए इसको? यहाँ पार्किंग में करके जाना, गाड़ी जाने बंद कर दी, गाड़ियाँ सारी बंद कर दी। अच्छा इसको कहाँ लगा यार, यही लगा दे क्या यार विनय? गाइस तो देखो कितनी बड़ी लिफ्ट है, मैंने इतने जीवन में इतनी बड़ी लिफ्ट नहीं देखी। पागल बनते भैया देख के ऐसे रहे। अरे कहाँ जा रहे हो, नीचे जाना है हमें। अबे यार कहाँ से आते हैं लोग, ये लोग आते हैं। देखो गाइस लिफ्ट देख के पागल हो रही है सिप्पू गिरी। ओ यार कैमरा भी लग गया है। हाँ आशियाना मेरा साथ तेरे है ना, ढूंढती तेरी गली मुझको। बढ़िया भाई और कहाँ रहे? इतने दिन बाद आए तो मैं एडजस्ट मैंने लगा रखा, मेरे को दिखे भी नहीं ऐसी जगह पर। अरे मैं क्या 7 दिन बाद दिख रही आज। हाँ प्लेन चलाया मैंने, मैंने देखा था ये तो सोते रह गया। तो भाई भैया आ चुके हैं, भैया को हम बाय बोलते हैं क्योंकि भैया का ड्राइवर आ रहा है भैया को लेने, और हम रचित को पिक करके निकल रहे हैं। मैं तो चाहती थी भैया भी हमारे साथ चले, पर जैसे मैं इस आदमी के साथ नहीं भाई, लेकिन ना थोड़ी नोक झोंक हो गई ट्रिप पे हंसी मजाक वाली, तो अभी भैया नाराज है रचित से है भैया। इस आदमी से दूर रहने का सही बात, ये बड़ा खतरनाक है सेहत के लिए। नहीं सच में सेहत के लिए खतरनाक है। और रचित याद नहीं आती थी मेरी? हैं आती थी, सबकी याद आती। मेरी क्यों नहीं बोलता तू स्पेशल? मेरी भी आती थी। विनय की आती थी? बोल तो रहा हूँ सबकी आती थी। विनय तो भाई बहुत मिस करता था तुम्हें, विनय रोता था तुम्हारे लिए। ये तो ज्यादा हो रहा है। एक दिन नहीं कह रहा था बिछड़ना, मोहब्बत भी जरूरी थी बिछड़ना भी जरूरी था, एक दिन गाना गा रहा था ऐसे बैठ के। सच्ची में आपको
की सच में ये रचित है। हाँ ले लो आ जाओ, हम तो नहीं आ सकते ना शॉप में। रचित के भाई लैंड होते ही फैन मिल गए, पिक्चर ले लो रचित। वो एक साथ ही ले ले, विनय विनय पिक्चर क्लिक कर दे। एक्सप्रेशन हो गाइस। देखो रचित आ गया है वापस, हम इसको पिक करने गए थे तो हम इसको लेकर आ गए। आराम से बात कर, मैं से मैं ना रही हूँ। मुक्का मारूंगे खींच के। तो विनय ड्राइव कर रहा है और हम लोग जो है अब रचित को लेकर जा रहे हैं फाइनली। अब देखना ये बाकी है कि इंस्टा के रिएक्शन क्या होते हैं रचित को देख के। याद करता था इंस्टा मेरे को? नहीं याद, तो यार देखो पता नहीं, बोलता बोल नहीं पाता ना वो। अगर बोल पाता पता लग जाता ना, जैसे सैड बैठा है। अरे इतना शैतान है वो, सारा दिन धूम्रपान करता रहता है। धूम्रपान? धूम्रपान मतलब क्या बोलते हैं, शैतानी घर में सारा दिन। तो धूम्रपान शैतानी होती है? क्या होता है वो धूम्रपान? तो वो होता है स्मोक करना। अच्छा उधम मचाता रहता है अब। ठीक है ठीक है, चल देखते हैं कैसे रिएक्ट करेगा। थकावट हो रही मुझे तो बहुत, मैं तो सोते हुआ पूरी फ्लाइट में। अच्छा, और जब वहाँ से टैक्सी ली थी एयरपोर्ट के लिए तभी भी सोता हुआ आया टैक्सी में। चलो फिर तो हम चलते हैं। तो गाइस देखो रचित अपना सामान उतार रहा है। उतार लिया, कितना सारा सामान लेके गए थे यार? काफी लेके था। और तू क्या कर रहा है? अगर अच्छे से घूमना है ना थाईलैंड तो कम से कम 20 दिन चाहिए। अच्छा अभी घूम नहीं पाए, मन नहीं भरा? वाह बेटा वाह। डिग्गी नहीं बंद करी? देखा क्या? देख डिग्गी खोल के आ गया। मोमोज खाने से तो मेरा तो बिल्कुल मन नहीं था वापस आने का, क्योंकि जो चीजें घूमनी थी पर वो ये याद आ रहा था, याद आ रही थी सबकी। वैसे अगर घूमना है तो कम से कम भी ये लगा ले। ग्रुप में जाते तो तुम घूमते हैं? नहीं ग्रुप की बात नहीं है फिर, मैं तो इंडिविजुअल भी घूम लेता हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। नई नई जगह मेरे को, तेरे को पता है एक्सप्लोर करना पसंद है। दुबला हो गया कितना तुरंत? दुबला तो अब देख, घर का खाना घर की हवा तो घर की होती है ना। ये देखिए अभी दुबला हो गया, ये भी हो गया। हो गया ये तेरी याद में, तेरी याद 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 में, तेरी याद 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 में, तेरी याद 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 में तड़पे जिया। आगे का गाना, आगे का गाओ, आगे का दिलों का शूटर है मेरे स्कूटर। गाइस कमेंट में बताओ, ओ बावरिया टट 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 टट, ओ बावरिया टट टट बावरिया तो बावली 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 तड़ द जा जिले जिंदगी आगे नहीं आता खशियां मरे ते। अरे मैंने ब्लॉग इसलिए ऑन किया ना, जैसे इंस्टा आएगा तुरंत हम जो है उसके रिएक्शन देखने को मिलेंगे। चलो 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 चलो, ये मस्ती में डोले। क्या ऊपर रख दो, आंटी ने रख दिया होगा। गाइस भौंकने की आवाज आ रही होगी अब। चलो चलो देखते हैं इंस्टा के रिएक्शंस। ओ माय एमजी, आंटी ये रखना है। इंस्टा 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 हो गया पागल। आ जा, कितने दिन से नहीं मिला तू। आ जा। हां ओहो मजे आ गए। बस आ जा, आज गले तो लग ले, गले तो लग ले, गले तो लग ले। ये खा ले तू, कपड़ा खा ले बस। गाइस देखो कितना कितना एक्साइटेड हो गया ये। अरे मैं तो यही रहूं कितने टाइम से। इंस्टू क्या क्या भी ले गए तकिया पकड़ के? पूछ देखो पूछ देखो पूछ, इसकी रुकती नहीं है। आ जा आ जा आ जा, मैं तो यही हूं। मेरे पास आ जा, जल्दी आ जा। के चली एलिनी, याद करता था ये तुम्हें इंस्टू? मैं तो यही हूँ बेटू। हे गाइस, तो आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ क्योंकि रात काफी हो गई है। आप लोग भी सो जाओ व्लॉग देखने के बाद, और मैं भी सोने चली। बाय बाय, लव यू।